नमस्कार दोस्तों, लम अत्रा भाई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो मैं विधि लेके आया वह बहुत ही शक्तिशाली व कारगर उपाय है। आज की विधि है माँ काली को, माँ भद्रकाली को अर्पित है। ये तांत्रिकों द्वारा की जाती है जब किसी इंसान को वश में करना हो। तो चलिए सीधा विधि की ओर बढ़ते हैं। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हो और वो भी तांत्रिक विधि से, ये ऐसे प्रयोग तब किए जाते हैं जब किसी इंसान पर लाख कोशिशों के बावजूद भी जोर ना चल रहा हो, तब ऐसी विधियां प्रयोग में ली जाती है जिसे तांत्रिक भद्रकाली विधि कहा जाता है। जो माँ भद्रकाली की, माँ काली की सेवा करती है, अनेकों रूपों में पूजा की जाती है, वो है इस प्रयोग। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी डाउट के मंत्र बता पाए। आपको करना क्या है, आपको शनिवार या रविवार के दिन ही इस कार्य को किया जा सकता है, क्योंकि इसी दिन सरसों के तेल का दीपक लेना है। एक काला मटका ले लें, या वैसे अगर काला ना मिले तो ऐसा ले लें आप, इस तरीके का आपको ले लेना है। ध्यान रखें पूरे ध्यान पूर्वक, तो आपको इस तरीके का ही प्रयोग करना है। और ये कभी केवल आपको शनिवार रविवार के दिन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि में 11 बजे के बाद। आपको नींबू की माला बना लेनी है, नींबू की माला। आपको पता होगा माँ भद्रकाली को भी नींबू की माला अर्पित की जाती है, लेकिन ये माँ काली का नाम लेकर ही आपको विधि करनी है। उनकी दर्शन आप कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है आप उन्हें याद करते हुए, माँ भद्रकाली को याद करते हुए इस वशीकरण टोटके को करें। आपको क्या करना है कि इस कलश के अंदर इंसान, उस इंसान की फोटो डाल लें। आप उस इंसान की, जैसे मान लीजिए कि ये फोटो है, आपको फोटो डाल लेनी है और काले तिल डाल लेने हैं। डाल लेने के बाद ऊपर आपको दीपक जला देना है। दीपक जलाकर माँ काली का नाम लें, ओम भद्रकाली को याद करें, और ये नींबुओं की 11 नींबुओं की माला उसके ऊपर रख दें। इस तरीके से, जिस तरीके से रखा, यानी कि इस कलश को बीचों बीच रखना है। रखने के बाद एक मंत्र का आपको लगभग 221 बार जाप करना। मंत्र है ओम काल भद्र काली भद्र भद्र देवी नमोस्तते। ओम काल भद्र काल भद्र नमो देवी नमोस्तते। इस मंत्र का आपको 221 बार जाप करना है, और जैसे मंत्र का जाप पूर्ण हो जाता है तो आप इस सारी सामग्री को ऐसे ही छोड़ दें। अब आपको 3 दिन इस दीपक को जलाना है। 3 दिन आपको दीपक को जलाना, शनिवार से शुरू करें, शनिवार रविवार हो जाएगा, और सोमवार को भी आपको दीपक जलाना, और बाकी इस तरीके से रखना। और जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हो उसकी फोटो बीचों बीच रखिए। अब जैसे ही 3 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो इन सारी सामग्री को आप लें और उसकी फोटो के समेत आप माता रानी को याद करते हुए गहरी मिट्टी में गाड़ दें, गहरा गड्ढा खोद कर गाड़ दें। याद रहे इस कार्य को करते वक्त आपसे कोई रोके नहीं टोके नहीं, शराब मांस अच्छी मच्छी का सेवन नहीं करें, और महिलाएं कठिन समय में इस कार्य को ना करें। वह इंसान आपके वश में होगा और आप जैसा जाएंगे वैसा कार्य करेगा, लेकिन सोच समझ कर करेंगे, बहुत ही तांत्रिक द्वारा आजमाया होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन को समस्या चल रही है तो आप बीजी को भी मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसी साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद।